देश भर में कोरोना वायरस को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। राजधानी जयपुर में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब इंसानों के अलावा वन्य जीवों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। हैदराबाद में बब्बर शेर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई। उसके बाद से राजस्थान में भी वन्य जीवों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बब्बर शहर को कोरोना हुआ है हैदराबाद में, उसके बाद किस तरह की तैयारी है, कैसे सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के लिए विशेष सतर्कता पिछले काफ़ी टाइम से बरती जा रही है, क्योंकि हैदराबाद जो एपिसोड हुआ उसके बाद जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सभी जो वन्य जीवों की क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें उनके जो लक्षण हैं, नेजल डिस्चार्ज है और पुरुलेंट डिस्चार्ज है, कफिंग है, स्नीजिंग है, या एनिमल ऑफ फीड है, एनिमल एक्टिविटी, इसका एनिमल बिहेवियर, इसका क्लोजली उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। दूसरा इस इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें संक्रमण ह्यूमन से एनिमल्स में नहीं हो, इसलिए जो हमारे जो केयर टेकर्स हैं, जो भी एनिमल एंक्लोजर में जा रहा है वो पीपी किट पहन के जाता है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करता है। उसको आफ्टर सैनिटाइजेशन वो एंक्लोजर में एंटर करता है। हमारे जो एंक्लोजर है उसके क्लीनिंग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी जो लायन, टाइगर, लेपर्ड्स और अन्य वन्य जीवों के जो एंक्लोजर्स हैं उसको कोर्सलिन से धोया जाता है, साथ साथ उसको जो फुट बाथ करके, फुट पैड जो पोटेशियम परमैंगनेट का 1% सॉल्यूशन से अपने फुट को डिप करके एनिमल एंक्लोजर में एंट्री करते हैं। इसके साथ साथ वीक में एक बार गर्म पानी से पूरे एंक्लोजर को भी धोया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ फुट जो फ्लाइट रैपर्स भी लगे हुए हैं। सभी वन्य जीवों की जो हम रूटीन एक्टिविटी है, चाहे अभी चूंकि पार्क पर्यटकों के लिए बंद है, तो एनिमल जो रूटीन एक्टिविटी है उसको बरकरार रखा है ताकि उसके बिहेवियर हम इजीली उसको मॉनिटर कर पाएँ, उसकी फिजिकल एक्टिविटी देखती जाए। साथ साथ वन्य जीवों को विशेष इस समय हम एंट्री स्ट्रेस और इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन दी गई है ताकि इम्यूनिटी उनकी इस संक्रमण काल के दौरान पूरी तरह बनी रहे। इसके अतिरिक्त सभी वन्य जीवों की हम टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्टिंग करा रहे हैं, उसमें फीकल एग्जामिनेशन के साथ साथ उनको अभी डिवॉर्मिंग भी एनिमल्स का किया गया है। सर, क्या अपने यहाँ भी इस तरह का कोई मामला है जैसा कि वहाँ बब्बर शहर में हुआ था? नहीं, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किसी भी वन्य जीव में, जो स्पेशली जो लायन, टाइगर, जो लेपर्ड है, इसमें किसी सारे वन्य जीव पूर्णतः स्वस्थ हैं, नॉर्मली एक्टिव हैं, अपना फीडिंग इनटेक नॉर्मल ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के वन्य जीव में जो कोविड के लक्षण नहीं है, फिर भी एहतियातन तौर पर इनकी इंटेंस मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका बिहेवियर और स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जा रहा है। सर, स्टाफ और बाकी जो केयर टेकर्स, उनके लिए किस तरह के निर्देश हैं सावधानी को लेकर? जो हमारे जितने भी स्टाफ है और जो केयर टेकर्स हैं वो अल्टरनेट जो एंक्लोजर्स में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, सभी जो केयर टेकर्स और जो स्टाफ हैं वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपना, साथ साथ तो वो कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो सीजेडी गाइडलाइंस हो, एमओएफ की गाइडलाइंस हो, विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनका स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं। ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के वो जाते हैं और पूरा वो प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं। सर, कोविड और गर्मी दोनों को देखते हुए क्या डाइट में किस तरह का यहाँ पर चेंजेज हुआ है? गर्मियों के मौसम में वन्य जीवों के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहले से ही विशेष इंतजाम किए गए हैं, खास तौर से जो हमारे हर्बीवोरस हैं, चीतल, चिंकारा, सिकड़ियर, जो हर्बीवोरस, अन्य हर्बीवोरस है उसको हम रिजका की क्वांटिटी बढ़ाई है, साथ साथ उनको हमने वाटरमेलन, तरबूज और ककड़ी दी जा रही है ताकि उसको वाटर कंटेंट मिल सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे टाइगर्स, लायंस और लेपर्ड्स हैं उनको मीट सूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर को रूटीन डाइट के साथ साथ हम फ्रूट आइसक्रीम भी दे रहे हैं। जो हमारे वुल्फ हैं उनको नियमित तौर पर पानी में इलेक्ट्रोल और ग्लूकोज दिया जा रहा है और उनको चिकन भी दिया जा रहा है। तो गर्मी में के तौर में खासतौर से वन्य जीवों के जो इंटेक है, वाटर इंटेक है, उस पर ध्यान विशेष दिया जा रहा है ताकि उसमें हम रोटेशन से उसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल्स मिलाते रहते हैं ताकि उनकी किसी प्रकार की डिहाइड्रेशन नहीं रहे। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों को विटामिन और मिनरल्स की स्पेशल खुराक भी दी गई है और इसी एट प्रेजेंट हमारे सभी वन्य जीव पूर्णतः स्वस्थ हैं और आने वाले दिनों में अगर जयपुर का टेम्परेचर अधिक होता भी है तो हमारे वन्य जीव पर किसी प्रकार का प्रतिकूल स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये थे वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश का वन विभाग है वो वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किया गया है, उनके डाइट में परिवर्तन हुआ है, इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी उनको अलग से मेडिसिन भी दी जा रही है। जयपुर से उमेश सैनी, ईटीवी भारत।